यार आप लोगों ने अपने लाइफ में कैमरा अनबॉक्सिंग होता हुआ देखा होगा या कोई गैजेट अनबॉक्सिंग होती हुई देखी होगी, लेकिन आपने कभी अपनी लाइफ में एक बकरा अनबॉक्सिंग होते हुए नहीं देखा होगा। तो चले फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज योर दिल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यार आज का हमारा ब्लॉग बेसिकली होना था मिशन बकरे पे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं वो ब्लॉग बना नहीं पाया। तो भाई चले गए थे अपने दोस्त के साथ बकरा लेने और मैं घर पे ही था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो आज हम आपको अपना बकरा दिखाएंगे और साथ साथ उसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे चैनल पर राइट साइड पर जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको आपको राइट से अवॉइड कर देना है, ताकि जब जब मेरी वीडियो आए तब तक आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमें इस बॉक्स में बकरे के साथ साथ क्या क्या मिल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ अनबॉक्सिंग करने के साथ साथ हमारे साथ दिलवर साहब भी मौजूद हैं, जो कि हमारे बछड़े साहब हैं, वो भी हमारे बकरे की अनबॉक्सिंग होते हुए देख रहे हैं। चेक करें आप। सबसे पहले हमें इस बॉक्स में से मिला है ये हार, जो कि बकरे की गर्दन पे पहनाते हैं। इसके अलावा इसमें है हमारे पास कुछ पायलें, जो कि बकरों पे पैरों पे पहनाए जाते हैं, तब वो चलें तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है, बहुत अच्छा साउंड आता है। और इसके अलावा हमारे पास पूरा बकरा है, जो कि हम जोड़ के अभी आपके सामने बनाएंगे। सब कुछ सब सारे पार्ट इसमें रखे हैं, बस हमें उनको तैयार करना है, आपस में जोड़ना है, सिंक करना है और फिर आपको दिखाना है। ये है हमारा बकरा जो कि आपके सामने दिख रहा है माशाल्लाह से, अब और बेहतर तरीके से दिखेगा आपको। ये बकरा इतनी खूबसूरती, ये गाय के बीच पे आ रही है यार। चलो आगे चलो। हमारा जो बकरा आपको दिख रहा है इसकी खूबसूरतियत ये है कि ये है दोदास, नस्ल में है राजनपुरी और वेट में तकरीबन 20 से 25 किलो है, जो कि बड़े बकरे होते हैं। चेक करें कुछ छोटी। चलो जाओ तुम्हारा काम खत्म। यार ये थी आज की हमारी वीडियो, ये थे आज का हमारा ब्लॉग जिसमें मैंने आपको दिखाया अपना बकरा अनबॉक्सिंग करके, एक छोटी सी इम्प्रोविजेशन करी ब्लॉग में, थोड़ा सा अलग वाइब लाने के लिए। और साथ साथ मसला ये है कि अभी घर में जाके वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि हमने स्टूडियो कुछ ऐसा रखा है। स्टूडियो में दिलवर साहब यहाँ पे तंग कर रहे हैं, बकरा वहाँ पे तंग कर रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। जब बाहर निकलो ना तो लोग इस तरह जज करते हैं कि वीडियो बन नहीं पाती है ब्लॉगर के लिए, और घर में रहो तो कभी भाई ये साहब तंग कर रहे हैं तो कभी ये तंग कर रहे हैं, मतलब सुकून तो हमारी लाइफ में है ही नहीं।